हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई जो आप बहुत ही आसानी से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम प्यार से बुलाते हैं COGS। क्या बुलाते हैं? COGS। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, तो आइए आप पहले ट्रिक सुन लीजिए। ठीक है, आप सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। ठीक है, अब आप हॉस्पिटल गए हुए हैं तो आपने वहां पे कभी ना कभी आपने वहां पे OPD लिखा होगा, देखा होगा। क्या लिखा देखा होगा? OPD। अब आप सोच रहे होंगे OPD से क्या मतलब है यार। ठीक है, तो यहाँ इस ट्रिक से इसका रिलेशन है। ठीक, इसलिए मैंने इसको OPD ट्रिक से रिलेट किया। ठीक है, तो OPD सभी ने लिखा देखा होगा। ठीक है, तो आइए हम यहां पे लिख देते हैं OPD। ठीक, ये हो गया OPD। ठीक, अब OPD जो हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी आइए देखते हैं। OPD का O का है हमारा ओपनिंग स्टॉक, P का है परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंड में जो हमें वो ऐड करना है वो क्या है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो OPD, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या हो गया हमारी ये क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आ गया। तो आप कभी भी आप क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला शायद ही भूलेंगे कि जो है क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।